आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जहां दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान दो शराब की बोतल ले जाने का हाल ही में ऐलान किया गया था, वहीं एक्वा लाइन मेट्रो में शराब को लेकर सफर करने की से जुड़ी कई रियायत नहीं दी गई है। जी हाँ, नोएडा मेट्रो से रेल निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्वा लाइन मेट्रो में सफर करना भी भारी पड़ सकता है। मेट्रो में शराब लेकर पकड़े जाने पर रेलवे के एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 के तहत 200 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही शराब की बोतलें जब्त भी की जा सकती है। फिलहाल चेकिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी ऐसे लोगों को लौटा दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही मामले पे सख्ती शुरू कर दी जाएगी। अब इसके लिए सख्ती के दौरान क्या क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, उसके लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हाल ही में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली मेट्रो रेल यानी कि DMRC ने भी नियमों में बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति शराब के दो सील बंद बोतलें ले जाने की इजाजत दी थी। दिल्ली मेट्रो में मिली छूट के बाद लोग शराब की बोतल लेकर एक्वा लाइन के मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने लगे। सोमवार को भी कई यात्री मेट्रो स्टेशन की टिकट विंडो में से शराब ले जाने के नियमों की जानकारी लेते दिखे। इसे देखते हुए NMARC ने भी सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के लिए नई मुसीबत भी खड़ी कर दी है। अब तक आबकारी विभाग के संचल दल दस्ते दिल्ली नोएडा की सीमाओं पर मुस्तैद दिखाई देते थे, अब मेट्रो स्टेशन के बाहर भी चेकिंग की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मेट्रो के 14 और एक्वा मेट्रो के 21 स्टेशन हैं। अब आगे आपको बताते चलें कि जुर्माने की राशि क्या क्या तय की गई है। नशे में सफर करना तो 200 रुपए, प्रतिबंधित सामग्री ले जाना 200 रुपए, गलत तरीके से प्रवेश करना 150 रुपए, मेट्रो ट्रैक पर पैदल चलना 150 रुपए, मेट्रो के दरवाजे से छेड़छाड़ यानी कि 5,000 रुपए, मेट्रो कर्मियों के काम में बाधा 500 रुपए। दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की छूट मिली है, लेकिन पीने के शौकीनों ने इसका गलत मतलब ही निकाल लिया। पुलिस मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को स्टेशन परिसरों में शराब का सेवन करने की कुछ शिकायतें मिली, जिसके चलते दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंध ने भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर में शराब पीने पर सख्त पाबंदी रहेगी। शराब ले जाने की छूट का मतलब ये नहीं कि शराब के नशे में मेट्रो कोच या परिसर के अंदर अमर्यादित व्यवहार करते कोई भी दिखाई दे। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्वा लाइन के जितने स्टेशन हैं वहाँ पर शराब की बोतल ले जाना अभी भी अलाउ नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।